टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं, मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं, मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं। दरिंदगी और बर्बरता की शिकार हुई हाथरस की बेटी की मौत को लेकर पूरे प्रदेश में उबाल है। बुलंदशहर में भी सामाजिक संगठन लगातार कैंडल्स जलाकर न सिर्फ मृतिका को श्रद्धांजलि दे रहे हैं बल्कि दोषियों की फांसी की मांग भी कर रहे हैं। मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं, मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं, मनीषा बहन हम शर्मिंदा हैं। सिकंदराबाद में वाल्मीकि समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने वाल्मीकि चौक पर जमा बच्ची आत्मा की शांति के लिए पहले 2 मिनट का मौन रखा, उसके बाद कैंडल्स जलाकर मृतिका को श्रद्धांजलि दी। सिकंदराबाद के तमाम समाज के लोग विजय स्वरूप राही जी के मकान के बाहर इकट्ठा हुए और हमारी बहन मनीषा के साथ जिस तरह अत्याचार उत्पीड़न हुआ है उसकी आत्मा की शांति के लिए सबने कैंडल मार्च किया और इसमें हमारे सहयोग में नितिन भटनागर जी, अतुल कुमार गौतम और विजय स्वरूप राही धर्मवीर जी। हमारी मांगे ये हैं कि किसी भी समाज के किसी इंसान के साथ कोई इस तरह का घिनौना काम न हो, कि उसके घर का चिराग छीन लिया जाए, उसके आँखों को आंसू की सौगात दे दी जाए, तो सरकार हमारे ऊपर इतना रहम किया जाए कि हमारे बच्चे सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें, कि किसी को इतना ना सताओ कि उसकी आँखों से आंसू बंद न हो। हुई है जिसमें एक दलित की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ चार लोगों ने गैंगरेप की घटना की और शासन और प्रशासन ने इस घटना को 6 दिन तक दबाने का काम किया। प्रशासन इस बात में जुटा रहा कि कैसे ही कैसे इस मैटर में फैसला हो जाए और 20 तारीख के बाद में इस घटना पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए जब उस बहन उस बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तब उन्होंने मेडिकल पीरियड अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज कराने का। आदरणीय साथियों, कल जो ये घटना हुई उसमें उस बेटी की जीभ काट दी गई, उसके गर्दन की 3 महीने की हड्डी टूट गई, वो घर तक ना भाग पाए उसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस गैंगरेप के बाद में इस बहन उस बेटी की जब डेथ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हो गई तो शासन और प्रशासन ने एक इतने गुप्त तरीके से उस बहन उस बेटी की डेड बॉडी को रात के 3:30 बजे फूकने का काम किया। ऐसा हिंदू धर्म सनातन धर्म में कहाँ लिखा गया है कि उस बहन उस बेटी की डेड बॉडी को रात को फूका जाएगा? हिंदुत्व की बात करते हैं, ये देश में भाईचारे की बात करते हैं, परंतु ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सरकार से, जो मुजरिम है इनको फांसी की सजा हो, परिवार को न्याय मिले और यही हम सब लोग इसलिए आज कैंडल मार्च के रूप में इकट्ठा हुए। अगर शासन और प्रशासन ने उन मुजरिमों को बचाने का काम किया तो ये जो प्रदर्शन आज शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है ये प्रदर्शन इतना कठिन होगा, इतना जटिल होगा कि शासन और प्रशासन को इस बात के लिए खुद जिम्मेवार होना पड़ेगा। सामाजिक संगठनों में हाथरस प्रशासन के रवैये को लेकर भी खासा रोष है। इन लोगों द्वारा जहां सरकार से दोषियों की फांसी की मांग की गई, तो वहीं दोषी प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।